আৰম্ভণি হ'ব বুলি সকলো আশাবাদী আৰু ইফালে শান্তি চুক্তিৰ পিছতে নিউজ 18ত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিউজ 18 এক্সক্লুচিভ असम सीएम हेमंत बिस्व शर्मा हमारे साथ। सर, आज का ये समझौता किस मायने में ऐतिहासिक है? देखिए, ये हमारा असम का जो आदिवासी समाज था उसमें काफी दिन से एक ऐसा था कि फीलिंग ऑफ एक्सप्लॉयटेशन था, फीलिंग ऑफ डिप्राइवेशन था। ये कारण 8 ग्रुप का भी जन्म हुआ और 8ों ग्रुप हथियार लेके जंगल में चला गया। तो 2016 में पहले उन लोग का साथ सीजफायर हुआ, आज एकॉर्ड हुआ, इससे हमारा असम में काफ़ी शांति आएगा। बोरो एकॉर्ड हो गया, कार्बी एकॉर्ड हो गया, आज आदिवासी एकॉर्ड हो गया। लगभग और एक जनगोष्ठी को अगर हम लोग कर सकता हूँ आगे जाके, असम का समस्या लगभग समाधान हो सके। ये तो समस्या का एक पहलू है, मदरसों के ऊपर एक कार्रवाई हो रही है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? क्योंकि अवैध तरीके से जो मदरसे हैं आपके मुताबिक वह गिरा जा रहे हैं। देखिए, जो जो मदरसा में जेहाद का काम चला था और हमारा हिसाब से वो तो मदरसा नहीं रहा, वो अलकायदा का कार्यालय जैसा बन गया था, तो उनको हमने डिमोलिश किया। और जो रिलीजियस मदरसा चलाता था, गवर्नमेंट मदरसा 700 भी हम लोग बंद कर चुका था। अभी जो आगे रिलीजियस मदरसा चलाता है उनका साथ भी हमारा बातचीत हो रहा है कि जहाँ जहाँ आप बच्चा को पूरा एकेडमिक फैसिलिटी नहीं दे सकता है उनका ऊपर भी आप लोग विचार कीजिए। इसलिए राइट टू एजुकेशन डिफाइन करता है कि एक बच्चा को क्या क्या सुविधा मिलना चाहिए। हालांकि आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, डायरेक्टली एक्ट में आप नहीं आते हैं, लेकिन स्पिरिट तो आपको मानना पड़ेगा। तो हम लोग आगे जाके ये पूरा माइनॉरिटी मद्रासा एजुकेशन को एक रिफॉर्म लाना और पूरा मद्रासा एजुकेशन जेहाद का स्थान में भारत प्रेम का एक जगह बने। मतलब कि यूपी की तर्ज पर मदरसों का भी सर्वे असम में भी शुरू होगा? देखिए, एक बात मैं आपको हमेशा बताऊं, असम अपना जो काम करना है, हमारा काम थोड़ा अलग है। मैं अन्य प्रदेश का काम क्या चल रहा है नहीं जानता हूं। हम तो सीधा 700 मदरसा को बंद कर चुका हूं। आगे जाके 450 मदरसा तो अभी गिर भी चुका है बिकॉज ऑफ देयर लिंक विद जेहाद। और हमारा मदरसा समाज में बहुत कोई सर्वे अर्वे करना जरूरत नहीं, हम जो बोलता है वो लोग मानते हैं। सर, तो ये थे असम के मुख्यमंत्री, उनका यही कहना था कि मदरसों की कार्रवाई के ऊपर जो ये कहते हैं वही मानते हैं और कार्रवाई जो देश विरोधी गतिविधि में लिप्त है वो जरूर होगी। हाँ,